everyone, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja and I am here with another part of Hyderabad food series. आज का दिन हम start कर रहे हैं by coming to a very popular joint called Ram Ki Bandi. Bandi means a street side stall. Actually ये place पे ना आने के लिए मैं बहुत सोच रही थी मैं आऊँ या नहीं, क्योंकि ये place के timings थोड़े से अजीब हैं. ये बंडी लगती है रात के 3 बजे और 7-8 बजे तक इनका सब खत्म भी हो जाता है. तो मैं इतना सोच रही थी whether I should come or not, क्योंकि मुझे इतना सुबह खाने की आदत नहीं है. पर आप में से मुझे इतने लोगों ने सजेस्ट किया दैट इफ़ यू आर गोइंग टू हैदराबाद गो टू राम की बंडी एंड ट्राई अ डोसा ओवर देयर. सो लेट्स गो एंड ट्राई अ डोसा. लेट्स सी कि हम ये जो इतनी सुबह उठ के आए हैं और अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं इफ़ इट्स वर्थ इट और नॉट. बाय द वे मैं आपको बता दूं हैदराबाद के थोड़े पार्ट्स ऑलरेडी लाइव हैं ऑन माय चैनल. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो वॉच देम. एंड अगर आपको हैदराबाद सीरीज अच्छी लग रही हो, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लाइक ऑल दीज वीडियोज. लेट्स गो. एक्चुअली कन्फ्यूज़ कि हम पिज़्ज़ा डोसा लें या क्या लें. बट पिज़्ज़ा डोसा मैंने जब मैं नानी स्टिफिन गई थी मैंने उधर भी खाया था और मुझे ना कुछ अलग खाना था. अपेरेंटली यहाँ का पिज़्ज़ा डोसा इज़ पॉपुलर बट आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. आई हैव टेकन अ कॉर्न चीज़ पनीर डोसा. उनके साथ इन्होंने दी है कोकोनट चटनी विथ गन पाउडर. इसके अंदर ढेर सारा कॉर्न, ढेर सारा चीज़, अनियन दिख रहा है मुझे, हल्का सा पोटैटो मिक्स, मसाले, देसी घी और ये कितना क्रिस्पी लग रहा है, एकदम वेरी क्रिस्पी एंड वेरी थिन लेयर. ये देखिए कितनी पतली है ये लेयर. मैंने ये प्लेस को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था. मुझे लगा था यार इतने भी लोग नहीं होंगे, बट अभी 6 बज रहे हैं और यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं. सो मैनी फ्लेवर्स, सो मैनी टेक्स्चर. ये देखिए एक चीज़ जो इन्होंने बिल्कुल कंजूसी नहीं की है. एक्चुअली 3 चीज़ें, एक है स्वीट कॉर्न, एक है ये देसी घी, आपको ये घी दिख रहा है पूरा, और तीसरा है चीज़. बहुत ही चीज़ी है ये, देसी घी के वजह से काफ़ी ऐसा हैवी भी लग रहा है. स्टफिंग काफ़ी लाजवाब है. बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस डोसा इज़ ये डोसा का टेक्स्चर, सो लाइट, सो क्रिस्पी. द चटनी इज़ डिलिशियस. चटनी इज़ लो ऑन फ्लेवर बट ये गन पाउडर के वजह से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है. ये दिखने में फ्यूजन डोसा नहीं लग रहा था बट एक्चुअली फ्यूजन डोसा है. बट इसमें ना एक टच ऑफ ओरिजिनल डोसा भी है, क्योंकि डोसा का लेयर इतना अच्छा है. हल्का सा जो इन्होंने पटेटो मिक्स डाला था उसका स्वाद आ रहा है, अनियन, कोरिएंडर, और ये जो इनका गन पाउडर है वो इतना स्पाइसी नहीं है. पनीर उन्होंने सिर्फ क्रश किया था ऐसा. ओवरऑल लव्ड इट. वाज इट वर्थ कमिंग ओवर योर ऑल द वे और शूट इतना जल्दी स्टार्ट करना? यस इट वाज. डे इज निमरा कैफे. हसल एंड बसल देखिए, बिकॉज हम खड़े हैं चार मीनार के इधर. यहाँ से मैंने ले ली है 2 चाय और कुछ कुकीज. ये देखिए यहाँ पर है 2 ईरानी चाय, यहाँ पर है काफी सारी कुकीज, ये है हैदराबाद का मोस्ट फेमस ओस्मानिया बिस्किट. यहाँ पे और भी बहुत सारे कुकीज हैं, जैसे ये है फ्रूट बिस्किट, पिस्ता, कोकोनट, चोको, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट्स हैं यहाँ पे. अभी हैदराबाद में ईरानी चाय बहुत पॉपुलर है और ईरानी चाय सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू लोकल्स मिलती है निमरा कैफे. ये एक लेजेंडरी आउटलेट है राइट नेक्स्ट टू चार मीनार. अभी सबसे पहले मैं चाय पीती हूँ. ओह माय गॉड, क्या चाय है. मेरे टेस्ट के हिसाब से हल्की सी ज़्यादा मीठी है, बट क्या बोलूँ मैं, फ्लेवर नहीं बोलूँगी बट बहुत ऐसे अलग ही टेस्ट है. बहुत बढ़िया है. इसमें ये लोग हल्के हल्के मसाले भी डालते हैं और इसको बनाते बनाते लग जाता है आधा घंटा. ये बहुत ऐसे गाढ़ी गाढ़ी लगती है, इट्स नॉट लाइक वेरी थिन इन कंसिस्टेंसी. अभी ट्राई करते हैं उस्मानिया बिस्किट्स.
Oh wow, one of the finest biscuits I've had. इतने लाजवाब हैं ये. इतने sweet नहीं है. ये इतने crispy भी नहीं है. काफी soft हैं. बहुत बढ़िया हैं ये. मुझे ये भी बहुत अच्छे लगे. ये है फ्रूटी कराची बिस्किट्स. मेरे को ये ट्राई करना है, पिस्ता. पिस्ता की जो ऐसे सिरिप्स नहीं आती हैं वो डाली गई हैं. फाइनली ट्राई करते हैं कोकोनट. कोई भी बिस्किट स्वीट है इतने क्रिस्पी नहीं है. ओस्मानिया सबसे बेस्ट है. अभी हम ये एंजॉय करते हैं और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट जॉइंट पे. कहते हैं जब भी बेस्ट बिरयानी इन हैदराबाद की लिस्ट बनती है, शादाब वो लिस्ट में हमेशा ही रहता है. आई नो मैं आपको हर एक वीडियो में एक एक बिरयानी तो पक्का दिखा रही हूँ. उसका रीज़न ये है कि हैदराबादी बिरयानी हैज़ बिकम सिनोनिमस विद द सिटी हैदराबाद इटसेल्फ. और मुझे ना मोस्टली हर जगह की बिरयानी ट्राई करनी थी, इसलिए मैंने सोचा हर वीडियो में मैं आपको एक बिरयानी तो पक्का दिखाऊंगी. उसी के साथ हम लोग यहाँ पे खाने वाले हैं चिकन हैदराबादी विद सम रुमाली रोटी. हमारी बिरयानी आने में पता नहीं कितना टाइम लगता है, बट यहाँ पे आ गया है हमारा चिकन हैदराबादी अलोंग विद सम रुमाली रोटी. ये देखिए. तो हमने यहाँ पे स्टाफ से पूछा कि मेन कोर्स में चिकन में व्हाट विल दे रेकमेंड. दिस इज़ व्हाट दे रेकमेंडेड. ये है चिकन हैदराबादी. ये बनता है विद लॉट्स ऑफ स्पाइसेस और अनियन ग्रेवी में, और उसके साथ है ये रुमाली रोटी, और यहाँ पे मिल जाता है नींबू और प्याज. ये लेते हैं रुमाली रोटी चिकन. वाओ, ये ग्रेवी में कोकोनट यूज़ किया हुआ है एंड अनियन. एकदम ऐसे लग रहा है कि धीमी आंच पे से बनाया गया है. चिकन इतना टेंडर है. ब्लैक पेपर ढेर सारा डाला हुआ है. ये एक्चुअली हाई ऑन स्पाइसेस है. स्पाइसी भी है. ब्लैक पेपर की वजह से ऐसे हीटनेस है. चिकन एकदम टेंडर है और ये ग्रेवी बनी है लॉट्स ऑफ अनियन. अनियन का प्रोपोर्शन बहुत है एंड कोकोनट. टू गुड. रुमाली रोटी भी एकदम परफेक्ट टेक्सचर की है. एकदम सॉफ्ट. बहुत अच्छा लगा ये. अभी हमारी बिरयानी का वेट करते हैं. स्मेल्स सो गुड. हमने जब पैराडाइज में खाई थी, मुझे याद है मैंने आपको कहा था कि उन्होंने बॉयल अंडा नहीं दिया था, जो मुझे ऐसे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा था, बट यहाँ पे इन्होंने बॉयल अंडा भी दिया है. हर जगह पे जहाँ पे भी हमने राइस खाई है उनका कलर ऐसा काफ़ी अलग आता है. यहाँ पे हैं ढेर सारे फ्राइड अनियंस. उसी के साथ मिल जाता है ये सालन और रायता. इसका भी फर्स्ट बाइट खाते हैं. काफ़ी गर्म है ये. काफ़ी स्वादिष्ट है. ये देखिए, ये राइस इतने फ्रेग्रेंट हैं. आई थिंक मैंने अभी तक जहाँ पे भी बिरयानी खाई है सबसे बड़ा राइस ग्रेन यही है. और ये जो चिकन है ये एक्चुअली प्रॉपर चिकन तंदूर है, तो उसमें एक स्मोकी फ्लेवर भी है. अगर स्पाइसेस की बात करें तो ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं है. फ्राइड अनियन का इतना अच्छा स्वाद आ रहा है. शाही जीरा, इसमें भी वही मसाले हैं. बट जो हैदराबादी बिरयानी होती है उसमें वो लोग एक चीज़ डालते हैं, देसी घी. उसका भी बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है. लेट्स पुट सम सालन नाउ. कोकोनट और पीनट का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है. थोड़ा बॉयल्ड अंडा के साथ खा लेती हूँ. राइस टू चिकन प्रोपोर्शन एकदम परफेक्ट है. इवन इफ इट्स सो सटल ऑन स्पाइसेस, का स्वाद लाजवाब है. दिस बिरयानी इज राइटली वन ऑफ द बेस्ट बिरयानीज इन हैदराबाद. आई थिंक स्पाइसेस में मुझे सबसे ज़्यादा टेस्ट लौंग का आ रहा है. वैसे मुझे उसका स्वाद इतना पसंद नहीं है, बट ये बिरयानी में वो काफ़ी अच्छा लग रहा है. और फ्राइड अनियंस तो इतने भरपूर डाले हैं. और ये सालन भी डिलिशियस है. लव द बिरयानी हियर. हमारी बिरयानी हो गई है ख़त्म. आई एन्जॉयड हैविंग बिरयानी ओवर हियर. एंड मुझे एक्चुअली यहाँ की बिरयानी पैराडाइज बिरयानी से भी काफ़ी बेटर लगी. बहुत मज़ा आया यहाँ पे खा के. अभी थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेंगे, फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट जगह पे. बाय द वे, हम जस्ट ये ओल्ड सिटी में थोड़ा ऐसे ही वॉक करने वाले हैं. इट्स क्रेज़ी, इतनी भीड़ है यहाँ पे. यहाँ पे आपको बैंगल्स, जूते, कपड़े, कितना कुछ मिल जाएगा. ऐसे पूरा मार्केट ही लगता है यहाँ पे. थोड़ा हम ऐसे एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम ओल्ड सिटी से निकलेंगे.
लिए। अभी शाम का टाइम है और अभी हम आ गए हैं सिकंदराबाद में और यहाँ पे एक प्लेस है कॉल्ड पिज्ज़ा डेन। अपेरेंटली यहाँ के पिज्ज़ाज बहुत पॉपुलर हैं, सब पिज्ज़ा के कॉस्ट सेम ही है 180। हमने यहाँ पे ले लिया है देसी मसाला पिज्ज़ा। यहाँ पे सिर्फ टेक अवे अलाउड है एंड यहाँ के पिज्ज़ाज पूरे हैदराबाद में काफ़ी पॉपुलर हैं। ये देखिए, इसके ऊपर मसाला, चीज़ और ये क्या बटर है, इतना ज़्यादा डाला हुआ है। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। ओ वाओ, एकदम देसी स्ट्रीट स्टाइल पिज़्ज़ा। ये क्रस्ट इतना क्रिस्पी है, इसमें पिज़्ज़ा सॉस इतना नहीं डाला हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा मुझे टेस्ट आ रही है चीज़ और ये जो ऊपर मसाले डाले हुए हैं, गरम मसाले का स्वाद नहीं होता है वैसा टेस्ट आ रहा है। अनियन और कैप्सिकम डाला हुआ है अंदर, बस सिंपल स्ट्रीट स्टाइल पिज़्ज़ा। जो हम नेक्स्ट जगह आए हैं उसका नाम है कोंकू। ये आता है बेगमपेट पे, बेगमपेट मेट्रो स्टेशन है उसके एकदम बगल में, कंट्री क्लब वहीं पर है। ये एक यूरोपियन थीम कैफे है जहाँ पे आपको पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स, ढेर सारे फ्रेंच डिजर्ट्स, बेवरेजेस, हॉट चॉकलेट ये सब मिल जाता है। दिस इज सम हॉट चॉकलेट एंड हियर आई हैव टू मैक्रोन्स, आई हैव अ डार्क चॉकलेट एंड अ कैरमल सी सॉल्ट मैक्रोन। सबसे पहले ट्राई करते हैं ये कैरमल। ओह वाओ, परफेक्ट टेक्सचर। इसके फ्लेवर्स फिर भी थोड़े ओके हैं, इट्स जस्ट प्लेन डार्क चॉकलेट, नथिंग एल्स। मैक्रोन एक फ्रेंच डिज़र्ट होता है जो बनता है एग वाइट, आइसिंग शुगर एंड जो भी फ्लेवर होता है उससे। एंड हियर वी हैव आवर हॉट चॉकलेट, वील जस्ट गिव इट अ नाइस मिक्स। It's raining outside and just the perfect weather to have some hot chocolate. Oh my god, wow, so good. Just feel ke cocoa powder thoda sa zyada chala gaya hai, like they've gone overboard with it, but apart from that really good, love it. Here we have also ordered some chicken burger along with fries. The chicken burger is huge. Yahan ke burgers apparently काफी popular hai. Andar hai chicken patty, चीज़, सैलड एंड लेटिस। दिस बन इज सो सॉफ्ट, अंदर की जो पैटी है चिकन की इट्स एक्सट्रीमली स्पाइसी, देन सैलड एंड देन लेटिस, और इसमें एक चीज़ सॉस भी डाली हुई है जिसकी वजह से बहुत चीज़ का भी टेक्स्चर आ रहा है। इसकी हाईलाइट इसकी ये पैटी होगी, इट्स वेरी जूसी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। दिस बर्गर वॉज सो डिलिशियस एंड हैवी कि हमें डिनर खाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हम ऐसे काफ़ी फुल हो गए। बट एब्सोल्युटली लव दिस प्लेस। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड वी हैव कम टू द एंड ऑफ द हैदराबाद फूड सीरीज। आई होप यू गाइज एंजॉय द सीरीज। प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू एंजॉय द हैदराबाद फूड सीरीज। पहले के पार्ट्स ऑलरेडी लाइव हैं, मेक श्योर यू वॉच दोज पार्ट्स इज वेल। टुडेज कॉमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल, थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कॉमेंट। इफ यू वॉन्ट कॉमेंट शाउट आउट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लीव अ कॉमेंट बिलो। बट वेट, डोंट गो एनीवेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड नाउ वॉच द ब्लूपर्स। सबसे पहले एक फोटो निकालना है, मेरे को फोन दे, फोन दे, मैं फोटो निकालू। मेरे टेस्ट के हिसाब से हल। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ शादाब की स्पेशल। ओल्ड सिटी, ओल्ड, एक सेकंड, चार मीनार के इधर हम बहुत घूम लिए, अभी हम फिर से ठीक है चार मीनार। ओहो, ये देखिए बहुत गर्म है।
द नेक्स्ट डे मैंने अपने लिए मैक्रोन एंड हॉट चॉकलेट मंगा लिया है. बट बिफोर वी स्टार्ट ईटिंग दिस आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग दैट हैपेंड. जो हम पहली जगह पे थे डेंस पिज़्ज़ा, वहाँ पे ना बहुत सारे बेगर्स थे. अब बेगर्स थे वो मुझे डिस्कस नहीं करना है, बट एक ऐसा पर्टिकुलर बेगर था जो सडनली मैं जूस पी रही थी तो मेरे एकदम ऐसा सामने आ गया और मैं बहुत डर गई. एंड माय इंस्टेंट रिएक्शन वाज टू यू नो टेल हिम टू गो अवे फ्रॉम देयर इन अ वेरी बैड वे ऑफ कोर्स एंड आई एम नॉट सॉरी फॉर इट. मैंने बहुत डिसरिस्पेक्टफुली उसको बोला टू स्टे अवे क्योंकि वो काफ़ी क्लोज आ गया. एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग एंड देन ही स्टार्टेड टेलिंग मी कि मुझे 5 rupees दो. ही वॉज अ बेगर. अभी आई डिडंट वॉन्ट टू गिव इट टू हिम फॉर ऑब्वियस रीजन्स. I am going to admit I got a little scared, but at the same time I was like, you know, what is he going to do anyway? मैं वो एरिया में 15 मिनट थी और वो 15 मिनट तक मेरा पीछा कर रहा था वेर एवर आई वॉज गोइंग. मैं अपने फियांसे के साथ थी एंड हम लोग की एक टीम भी थी. ऑल ऑफ अस ट्राइड टू टेल हिम टू स्टे अवे बट ही जस्ट केप्ट टॉकिंग अस टू एन एक्सटेंट कि हम सोच रहे थे कि हम पुलिस को बुलाएँ. आफ्टर दैट व्हेन ही सॉ कि हम उसे कुछ भाव नहीं दे रहे हैं ही जस्ट स्टार्टेड कर्सिंग अस. ही सेड दैट वील डाई बाय 12 o'clock विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू हियर एंड देन ही जस्ट स्टार्टेड क्लैपिंग लाउडली. द होल सीन वॉज सो डिस्टर्बिंग. मेरे को 1 hour की ब्रेक लेनी पड़ी थी टू रैप माई हेड अराउंड वॉट हैपन. आई यूजली डोंट शेयर ऑल ऑफ दिस ओवर हियर बट आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट अगर मैं डेंस पिज़्ज़ा शूट कर रही थी एंड यू सॉ कि मैंने बहुत जल्दी में वो शूट निपटाया हो या मैंने बहुत इतना डिटेल में मैं वो आपको नहीं बता पाई, उसका रीज़न यही था. आई वॉज अ लिटिल डिस्टर्ब. नाउ आई एम फीलिंग फाइन एंड आई हैव ऑर्डर्ड सम डिज़र्ट फॉर माई सेल्फ एंड हॉट चॉकलेट. लेट मी शो यू.